आज रात को उस कुएं में से एक बाल्टी पानी भर के ला, नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा। क्या हो गया इसे? बेहोशी है ना? पता नहीं, शायद मर गया।
ये तो कुएं में ही बेहोश हो गया। बाल्टी बाल्टी तो भूल ही गया ये। मैं पानी से बाहर निकली और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और फिर मैं कूदी इसके ऊपर। यार, हमने इसे वहां भेज के गलती कर दी। अगर ये सही में मर गया तो हम सब फंसेंगे। राहुल 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 उठ, राहुल उठ। देखा, बोला था कुछ नहीं हुआ इसे, एकदम सही है। राहुल राहुल अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है राहुल? तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। अबे तू होता कौन है मुझे काम देने वाला? काम सुनने से पहले ही डर गया। बच्चे, डर भी हमसे डरता है, समझा? लगी शर्त? चल लगी शर्त, बता क्या काम है। एक घर है, उसमें मेरी दो कजन्स रहती थी, चाचा की बेटियां, दोनों मर गई वहीं पे। बस इतनी सी शर्त है? चल ठीक, अगर मैं ये शर्त जीत गया, बच्चों पूरे साल तुझे मेरे जूते साफ करने पड़ेंगे, सोच ले। उस घर में एक रात बिता कर दिखा। चल ठीक है, बता कहाँ है ये घर? प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आज वो मरेगा मेरे हाथों। इसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? कहाँ जा रहे हो? बीच में से हट जा। मेरा बेटा कहाँ है? कौन हो तुम? सिक्योरिटी, अंदर कैसे आने दिया? अरे तो? अरे अरे, 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 अरे क्या? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कौन बेटा? मेरा बेटा राहुल, कहाँ है वो? वो राहुल? हाँ राहुल, मेरा फूल जैसा बेटा राहुल। मैंने आज तक कभी उस पे उंगली नहीं उठाई, घर में किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और तुम लोगों ने उसकी रैकिंग करवा दी। और रैकिंग होती गई और तुम लोग चुपचाप देखते रहे। कहाँ है मेरा बेटा? वो चला गया दो तीन दिन पहले। चला गया? कहाँ चला गया? मालूम नहीं कहाँ चला गया। मालूम नहीं? तब इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। पांच मिनट में मेरा बेटा इस ऑफिस के अंदर होना चाहिए। पांच मिनट में अगर मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा, तू जानता नहीं है। मैं वार्डन को बुलाता हूँ, पूछता हूँ मैं वार्डन से। क्या है, क्यों बुला? मेरा बेटा राहुल कहाँ है? मैं यहाँ का वार्डन हूँ, हमारे बेटे का सेक्रेटरी नहीं हुआ है? बता मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा?
बोल कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा पिछले दो दिनों से एक बंगले के बाहर बैठा है। बंगले के बाहर बैठा हुआ है? हाँ, वो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो वहां कर क्या रहा है? मालूम नहीं। और तुमने उसे वहां छोड़ दिया? बंगला खतरनाक है सर। हाँ, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। चल मुझे वहां लेकर चल, चल। ए बल्लू किधर है बे? ओए तेरे से पूछ रहा हूं। अबे ये आंखें काली काली क्यों करके बैठा है? बल्लू कहाँ है? दो दिन से गायब है वो। पहले शर्त लगा फिर बताऊंगा। शर्त लगाई? शर्त डरता हूं क्या? हाँ बोल। एक रात इस घर में बिताकर दिखा। ठीक है, अगर मैंने इस घर में एक रात बिता दी तो अगले 4 साल तक तू हॉस्टल में मेरे कपड़े धोएगा। ठीक है, चलो बता बल्लू कहाँ है? अंदर जा, तुझे बल्लू अंदर ही मिलेगा। मतलब वो दो दिन से अंदर ही है? हाँ। कौन है? कौन है? ये कौन है? अंदर जा, पता चल जाएगा। क्रांति। कौन है? कहा ना मैं हूं क्रांति, अंदर आके क्रांति कर दूंगा। क्रांति, क्रांति, मुझे बचा ले क्रांति। ये तो बल्लू की आवाज है। बल्लू अंदर ही है, बचाएगा नहीं उसे। दरवाजा खोलो। Yeah.
क्यों क्रांति? डर गया? तूने ही कहा था ना मुझे कुएं में कूदने के लिए। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो यही बैठा हुआ था सर। यही बैठा हुआ। झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर, मरना है क्या मुझे? मैंने उससे कहा भी था भाई, चल मेरे साथ, डर मत। फिर वो कहने लगा कि नहीं, बहनों ने मना किया मुझे, बोला बैठे। बहनों ने? हाँ, राहुल की कोई बहन नहीं है। वो तो कह रहा था कि बहने यही रहती है अंदर। नहीं नहीं, यहां पे कैसे? राहुल का ब्रेसलेट, इसका मतलब मेरा बेटा यही था। मैं कहता हूँ पकड़ इसे, से बच निकला है। सभी से निवेदन है कि वे सावधान रहे। पकड़ेगा इसको, तू यहां से बच के नहीं जा सकता। जिंदा कैसी है अभी तक? आ!
ये मैं कहाँ गया? फिर से वही आ गया, मैं बच नहीं सकता, मैं यहां से निकल नहीं सकता, कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है, तू मर के यहां से निकल सकता है। जैसे वो पल्लू यही मर गया था, तेरी भी गर्दन कटेगी। मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा। हे भगवान, मुझे बचा ले, मैं सब गंदे काम छोड़ दूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। मैंने भी यही बोला था। बल्लू, उठने बल्लू यार, उठने, क्या हो रहा है यार? तेरा तेरा सर हवा हवा में घूम रहा है यार। बल्लू, ये हो गया ना यार? मैं यहाँ हूँ यार। ये क्या हो गया? कब कब मिली ये लाश? आज सुबह बाई चांस कुएं में जाकर तो लाश तैर रही थी। ये कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है? ये 3-4 दिन से जो तो उस बंगले के बाहर बैठा हुआ था। लाश की हालत तो देखिए सर, ये 3-4 दिन पहले ही मरा है। हमें आत्मा बन के इसे नहीं डराना चाहिए था। इसका बाप मुझे जान से मार दे। राहुल बेटा, तू कहाँ चला गया था? ये क्या हुआ बेटा? ये तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? मैं पानी में गिर गया था पापा। हाँ बेटा, मैंने सुना था कैसे उन बदमाश लड़कों ने तेरी रैगिंग की थी। तेरा चेहरा इतना ठंडा क्यों है? तेरा पूरा पूरे शरीर जो है ठंडा। बहुत तड़पाया ना उन लड़कों ने मेरे बेटे को, बहुत तड़पाया। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब कोई फायदा नहीं है पापा। कैसे कोई फायदा नहीं है? चल चल मेरा बेटा, चल यहां से चल। नहीं, मैं यहां से नहीं हिल सकता। दीदी ने मना किया है। आपने? यही तो कह रहा था मैं, कोई बहन है। बेटा, ये कौन लड़की है जो अपने आप को तेरी बहन बोल रही है? दो बहनें हैं पापा, यही रहती हैं।
तुम्हें कैसे मिले? मैं यहां से जाया करता था पापा, एक दिन ऐसे ही मिल गई। मैंने कहा था ना सर आपसे, मैंने यहाँ पे कटे हुए सिर वाली लड़की देखी है सर। वो बड़ी दीदी है। उसका सर कटा हुआ है, बहुत बुरा हुआ उसके साथ 20 साल पहले एक रात को। डोंट वरी, अरे मैं अभी आया, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको, बस बस मैं निकला घर से। हाँ हाँ जी, देखो बेटा मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। डैड डिनर तैयार है, हम आपका बर्थडे बनाने वाले थे और आप। आई नो बेटा आई नो, लेकिन बेटा देखो ये लोग बहुत परेशानी में, मेरा जाना बहुत जरूरी है, बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। डैड मैंने आपके लिए केक बनाया था। मैंने चुपके से देख लिया था। That's not fair, Dad. ये तो चीटिंग हुई। अपनी बेटी से कैसे चीटिंग? देखो बेटा मुझे देर हो रहा है, तुम लोग सब तैयार करके रखो, मैं क्यों गया क्यों आया। ओके चलो। और अब एक जरूरी खबर, रावत नगर और जीत नगर में रहने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है और उसके हाथों में 10 इंच लंबा चाकू है। सभी सावधान रहे। देखो बेटा तुम लोग जरा ध्यान रखो और अच्छी तरह से पूछताछ किए बिना किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं दरवाजा बंद करके चला जाऊंगा, चाबी है मेरे पास। ओके जी डैड, टेक केयर। जी डैड, बाय बाय। सुनो बेटा चाहे कुछ भी हो जाए बिना नाम पूछे दरवाजा मत खोलना। जी डैड। जैसे ही डैड गए लाइट भी चली गई। हाँ ये लाइट को भी अभी जाना था। टॉर्च भी पता नहीं कहाँ रखी है। कौन है? कौन है? डैडी आप हैं क्या? कौन है? कौन है? मैं ये लैंटर्न ले जाती हूँ, इसमें बैटरी है ना? मैं देखकर आती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? दीदी कौन है? तू दरवाजा बंद कर ले ऊपर से, जब तक मैं बोलती हूँ खोलना मत। जी दीदी। बोलता क्यों नहीं है? कौन है? दीदी क्या हुआ? दीदी ये
ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ उन बहनों के साथ। मरने के बाद यही रहती है क्या? हाँ, इंतजार करती है लोगों का। लोगों का क्या हुआ जो अंदर गए? अंदर ही है अभी भी। नहीं जा सकता है। जैसे हम दोनों बहनें मरी वैसे सबको मरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। एक बार तू मर गया ना क्रांति, तभी तू यहां से बाहर जा सकता है। जैसे कि राहुल कभी अंदर आता है फिर बाहर जाके बैठ जाता है, फिर अंदर फिर बाहर। तूने मारा राहुल को, तूने बोला था उसको कुएं से पानी लेके आ। यहाँ कितनी शांति है। क्रांति, जैसे ही मैंने मेरी दीदी का खून देखा मैंने वहीं दम तोड़ दिया था। दीदी का क्या होगा? अरे छोड़ो ना, मैं बता दूंगा बाद में। चल चल। क्रांति,
सीनियर्स के लिए रैगिंग करना बहुत हानिकारक है।